स्पेसएक्स ने नए साल की रहस्यमय शुरुआत की है और एक सरकारी अंतरिक्षयान जुमा को पृथ्वी की कक्षा में रवाना किया है। यह अंतरिक्षयान किस तरह का पेलोड लेकर गया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट एक महीने की देरी के बाद रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से रात 8 बजे रवाना हुआ, जिसके पेलोड की जानकारी गुप्त रखी गई है। आपको बता दें कि पेलोड अंतरिक्षयान में मौजूद विभिन्न चीजों जिनमें सैटेलाइट और उपकरण आदि शामिल होते हैं उनको कहते हैं। खास बात यह है कि न सिर्फ इसके पेलोड को गुप्त रखा गया है बल्कि जुमा ने इस पेलोड को कहां स्थापित किया है इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। यहां तक अमेरिकी सरकार के कौन से विभाग या मंत्रालय ने इस अभियान के लिए धन दिया है इसकी जानकारी भी कंपनी ने नहीं दी है। स्पेसएक्स एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है जिसके प्रमुख टेस्ला के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क हैं। कंपनी ने पिछले महीने नवंबर में जुमा अभियान को निर्धारित किया था। नासा के मुताबिक रविवार को जुमा ने लो अर्थ ऑर्बिट में अपने पेलोड को स्थापित कर दिया। धरती की सतह से 1200 मील की ऊंचाई से कम की कक्षा को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है।